हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने बहुत ही प्यारी सी दो नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये हमने ड्रेस बनाई है, और बहुत बहुत इजी है इसको बनाना। जिसको सिंपल चैन बनानी आती है, चोली बनाई है देख देख कर, और डिज़ाइन अपना बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही ईजी है ये डिज़ाइन और बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये हमने दो नंबर के लिए बनाई है। आप इसको एक नंबर, जीरो, किसी भी नंबर में बनाना चाहो, किसी भी साइज़ में, बस उसकी चोली बनाइए और सेम पैटर्न से बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत प्यारी आपकी ड्रेस बनेगी। तो आज की वीडियो में हम इसी को ही बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कलर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और दो नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम चैन लेंगे। 10 नंबर का मैंने यहाँ पर क्रोशिया हुक लिया है। तो देखिए, इस तरह से क्रोशिया को घुमाएँगे और यहाँ पर एक चैन बनाएँगे, तो ये हमारी नॉट लग जाएगी। ये देखिए, तो ये हमारी नॉट लग गई है। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको निकाल लेती हूँ। 10, 11, 12 चैन ये हो गई। और अब इसको थंब और यहाँ पे फिंगर के बीच में दबा लेंगे। उसके बाद मैंने 1, 2, 3 मैंने और चैन ले ली है। अब देखो, जो हमने फिंगर में दबाई है 12 चैन, तो इस 12th चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसी। तो अभी देखो, हमारे क्रोशिया में 3 लूप है, 3 से 2 बनाएंगे, ये हो गए, और 2 से 1 बनाएंगे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब एक बार और यहीं पे बनाएंगे सेम चैन में, यहाँ पे, इस तरह से। तो देखिए, एक ही में मैंने 2 बना दिए। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और सेम चैन में यहीं पे हम एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए सेम चैन में 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और यहीं पे बनाएंगे एक बार और। तो ये हमारे 2 हो गए। इस तरह से हमें हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है। और ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 12 चैन बनाई थी जिसको मैंने थंब में दबाया था, उसके बाद 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा ली थी। तो जो 12 यहाँ 1 से लेके 12 चैन तक मैंने सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है, यानी कि 24 डबल क्रोशिया हमारे ये वाले हो गए। और एक जो मैंने 3 की चैन बनाई थी, एक हम उसको भी काउंट करते हैं डबल क्रोशिया, तो हमारे पास टोटल 25 डबल क्रोशिया बन गए हैं फर्स्ट राउंड में। अब हमें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। तो यहीं से देखो, इस तरह से बनाएंगे, ये 1, 2 और 3, ठीक है, 3 डबल चैन बना के इसको डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो यहीं पे हम एक बार और बनाएंगे, ये देखो 2 डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चैन में ये 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब उसके बाद 3rd चैन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, 1 बनाया, और यहीं पे 1 बार और बनाएंगे। तो यहाँ 3rd चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट में 1 बार से, नेक्स्ट 1 बार, और 3rd चैन में 2 बार,
तो ये मैंने टू टाइम्स डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिया है। इसी तरह से थर्ड चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाकर हमें कंप्लीट करना है। इसमें एक बनाएंगे, इसमें एक बनाएंगे, इसमें दो बनाएंगे, फिर एक, एक और दो, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहले यहाँ पे देखो एक चैन बनाई थी और उसी के साथ मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था। ये हमारे दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ये काउंट नहीं होते, सिर्फ एक ही काउंट होता है। अगर हम इस चैन के साथ डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे तो हमारे जो है ना ये स्टिचेस घट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे 8 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए हैं, मैंने थर्ड चैन में यहाँ पे बढ़ाया है। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया इंक्रीज हुए हैं। लास्ट में दो चैन मेरे पास जो आई थी उनमें मैंने एक एक ही बनाया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 25 थे, अब यहाँ पे 32 हो गए हैं। अब 32 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी फ्रंट, बैक और आर्म में, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 32 को कैसे करेंगे, 10 हम यहाँ रख लेंगे और 10 हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। ऐसे 10 फ्रंट के हो जाएंगे, 10 बैक के हो जाएंगे, बाकी बचे 12 हमारे पास। और तो 6 इधर अब आर्म होल के हो जाएंगे, 6 इधर आर्म होल के हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 थ्री चैन बनाई, वर्क को 10 किया और यहाँ पास वाले चैन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में 3, उससे नेक्स्ट 4 और एक ये 5। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 1 2 3 4 5 6 हम चैन स्किप करेंगे और 7th चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 7th चैन में डबल क्रोशिया बनाया। तो ये वाला डबल क्रोशिया हमारा बैक में काउंट होगा, ये 1 हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमें 10 बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 डबल क्रोशिया यानी 10 डबल क्रोशिया बैक के लिए हो गए। इधर बैक रखो, फ्रंट रखो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 हम फिर से स्किप करेंगे और 7th चैन में डालकर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा सेकंड आर्म होल हो गया। अब देखो जैसे 5 इधर बने हैं, 5 ही हमारे इधर बनेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये लास्ट का हमारा 5, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से इसने है चोली का रूप ले लिया है। ऐसे हमारी चोली हो गई है रेडी। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया इधर, 5 इधर, तो ये 10 हो गए और 10 ही इधर हो गए, 12 हमारे आर्म होल के हो गए। अब इसी तरह हम एक राउंड कंप्लीट यहाँ पे बना लेंगे। जो आर्म होल की चैन है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सभी चैन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो बनाते हैं, देखो 1 2 3 थ्री चैन बनाई, वर्क को 10 किया। सबसे पहले यहाँ पास में ही बनाएंगे, ये हो गया एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 1, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 1, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। एक एक डबल क्रोशिया मैंने सभी में बना दिया है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पलटेंगे ऐसे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको पलट दिया। अब ये हमारी सीधी साइड हो गई है। तो यहाँ पे जो हमने 3 चैन बनाई है, थर्ड चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने इसको स्लिप स्टिच करके अपने
कान्हा जी की चोली को जॉइंट कर दिया है, ये देखिए। और ये एक और स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पे आर्म होल के साइड में आ गए हैं स्लिप स्टिच करते हुए, ठीक है। तो एक बार और कर देती हूँ, ये देखिए। इस तरह से हमारी चोली जो है कंप्लीट हो गई है ये। अब हम चोली का घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा घेरा स्टार्ट होएगा। घेरा हमें कैसे करना है देखिए बताती हूँ। तो घेरे के लिए यहाँ हम सबसे पहले तीन चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन्स बनाई। यहीं पे पास वाली जो चैन दिख रही है आपको, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमने बनाया एक डबल क्रोशिया, ठीक है। और यहीं पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मैंने चैन्स बना दी है। और 10 चैन्स बनाकर हमें क्या करना है, ये देखो, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे जो हमारी चैन्स दिखेगी, ठीक है, इसमें हमें ऐसे निकाल कर लाना है वूल को। तो ये 2 हो गए, 2 से हम 1 बना देंगे, यानी कि ये हमने सिंगल क्रोशिये से जॉइंट कर दिया है, ठीक है। अब यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि एक ही जगह पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और एक और बनाया, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया और एक डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से हमें लूप बनाना है 10 चैन्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बनाकर आप, अगर यहाँ पे आपको ना दिखाई भी दे रहा हो तो आप इसको फर्स्ट चैन में भी से, ये देखो जो फर्स्ट चैन है हमने बनाई है 10 चैन में से, उसमें हम फिर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। कर दिया, फिर से अगेन हम यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हो गया। अब नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और एक बार और यहीं पे, तो ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 चैन्स बनाई। और ये जो लूप आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ये देखो डबल क्रोशिया के ऊपर ही है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से भी इसको बना सकते हैं। और अगेन हमें वहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, ये देखो 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। तो इसी तरह से हमें फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने 1 3 की चैन ली और साथ में ही एक डबल क्रोशिया बनाया। उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया तो हमें 2 ही बनाने हैं, लेकिन दोनों के बीच में ये लूप बनाना है 10 चैन बनाकर, और वहीं पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 2 ही बनाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में ये लूप बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया और ये लूप। इस तरह से करके हम अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अब देखो 1 2 3, 3rd चैन में हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये वाला कलर अपना लगाना है, चेंज करना है कलर ऐसे, इसको खींच लेंगे। ठीक है,
तो ये मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया। उसके बाद 1 2 3 3 चैंस बनाई और इन दोनों इसको यहाँ पे दबा कर चलेंगे। एक यहाँ पे मैंने जो 3 चैन बनाई है उसको हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ठीक है। और साथ में ही जो चैन्स यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो नेक्स्ट है ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको हम साथ में दबाएंगे वूल को ऐसे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। और देखो जब हम इधर से आएंगे तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाई। और अब इन चैन को कहीं पे भी हम जॉइंट नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन और इजी हो गया है। जो स्टार्टिंग हमने की थी बस उसी में ही इसको जॉइंट करना था। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर यहाँ ये जो पास में ही है ना ये वाली चैन यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 3 हो गए और उससे नेक्स्ट में बनाएंगे, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो देखो पहले हमारे पास इस वाली चैन में और इस वाली चैन में इनके बीच में ये 3 डबल क्रोशिया ही आते थे, 3 डबल क्रोशिया बनकर ये वाली लूप बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और फिर से हम 10 चैन लेंगे। 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 चैन लेकर पास वाली चैन में ही बिल्कुल लूप के पास में जो चैन्स दिख रही है आपको वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये इसमें बीच में हमें टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। 2 हो गए, 3 हो गए और एक ये 4 हो गए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। देखो अगर आपको यहाँ पे दिखाई ना दे, अगर यहाँ पे ना बना पाओ तो आपको बीच में 4 डबल क्रोशिया करने हैं, यहाँ पे आप 2 भी बना सकते हो, ठीक है। बस क्योंकि हमें अपना घेरा जो बड़ा करना है उसके लिए हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करने होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे घेरे में झोल ना आए। तो ये हमारा 1 हो गया, फिर 2 3 और एक ये 4। तो इस तरह से 4-4 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद 10 हमें चैन्स बनानी है, ठीक है। और इस तरह से करके हमें पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स सेकंड राउंड भी बनाकर मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये देखो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर बना है, यहाँ स्टार्टिंग में 3 थे ना, तो एक ये बन गया, तो ये हमारे 4 हो गए। अब आप देखो इस ये डिज़ाइन ऐसा है, इसमें आप कितने भी कलर लगा लो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो 3rd चैन में मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी और स्लिप स्टिच में 2 कलर से करूँगी। ये वाला कलर इसमें ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे ये कलर ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस कलर से हमने कर दिया इन दोनों स्टिचेस को, एक कर दिया। अब यहाँ पे हमें फिर से 1 2 3 3 चैन्स बनानी है। अब जैसे ये 4 थे, अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे पास वाली चैन में ही। ये देखिए 2 हो गए, अब यहाँ पे बनाएंगे तो ये हमारे 3 हो जाएंगे और 2 हमारे यहाँ पे आते हुए बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 चैन्स 3 बनाकर फिर से 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 लेंगे। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले इस चैन से डबल क्रोशिया के ऊपर, ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर मैंने बनाया एक, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे दो, और उससे नेक्स्ट में बनाएंगे ये तीन, और ये बना चार, और एक बार और यहीं पे बनाएंगे तो ये हमारे हो गए पाँच। और जो लास्ट का जो डबल क्रोशिया है, ठीक है, जिसके बाद हमने एट ये चैन बनाई थी टेन, उसकी ये वाली चैन फर्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइट लगेगा यहाँ पे ऐसे, तो क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बनाएंगे। देखो पहले तीन डबल क्रोशिया थे, फिर चार हो गए और फिर पांच हो गए, ठीक है। तो यहीं पे हमने पांच कर दिया इसको, क्योंकि हमने एक यहीं पे बना दिया। अगर यहाँ पे नहीं बनाओगे तो हमें यहाँ पर चैंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहीं पे बना दिए हैं तो ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर एक साथ नहीं बनाने तो आप यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो बनाकर दिखाती हूँ, ये जो डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर मैंने बनाया। जब हम ड्रेस को बनाने लगते हैं ना फ्रेंड्स, जब कोई काम करने लगते हैं तो बहुत तरीके निकल आते हैं, हम खुद भी उसमें थोड़ा बहुत ना चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए दो हो गए हैं और ये तीन यहाँ पे बनाएंगे, अब चार, ठीक है, और यहाँ चैन में बनाएंगे तो ये हमारे हो गए टोटल पांच। इस तरह से हमें एक जगह पे दो नहीं बनाने पड़े, लेकिन अगर बना भी लो तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे फाइव हो गए। उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो इस तरह से हमें राउंड अपना ये वाला कंप्लीट करना है। फिर जब नेक्स्ट राउंड आएंगे, नेक्स्ट जब राउंड बनाएंगे तो पहले तीन थे, फिर चार हो गए, फिर पांच हो गए, फिर वहाँ पे छः हो जाएंगे, फिर ऐसे ही सात हो जाएंगे, फिर आठ हो जाएंगे। इस तरह से हमारे राउंड्स जो है बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और देखो कैसे हमारे ये बनेंगे, जो हमने बनाया है लूप्स, ये ऐसे ऐसे ये हमारा निकल कर आएगा। ये देखो इस तरह से हम इनको डालते जाएंगे, ठीक है। तो दो मैंने ये देखो डाल रखे हैं और ये डाल देती हूँ यहाँ पे। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या बन रहा है, सिंपल चैन से कैसे डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ड्रेस में 1, 2, 3, 4, 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। ये देखो ये मैंने इनके अंदर डाल दिए हैं। और जो ये 5 राउंड जो मैंने लास्ट वाला किया, इसमें मैंने ये 10 चैन्स नहीं बनाई है, केवल ये मैंने 7 चैन बनाई है, ठीक है, 7 चैन्स बनाई है। तो देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से था, ये हमारी सारी चैन्स ऐसे बनी हुई हैं। तो इनको मैंने सबको क्या किया, इनके अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम सभी को चैन्स को चैन्स के अंदर डाल देंगे। और ये हमारा एक छोटी सी छोटी वाला डिज़ाइन जो है बनकर रेडी हो गया, ये देखिए, ठीक है। बहुत इजी है इसको बनाना। और ये वाला डिज़ाइन मैंने सिलाइयों से भी बताया है, ये देखिए ये मैंने डाल रखा है। तो जो लास्ट वाला है उसको इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे ऐसे बनाकर खींच लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कम बनाए हैं चैन्स, यहाँ पे क्यों बनाई है, क्योंकि देखो ये वाला मुझे फ्लावर से इसके अंदर बनाना है, ठीक है, ये वाला। अगर यहाँ पे मैं 10 चैन लगाती तो ये जो बीच का गैप था ये बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल 7 चैन्स ली है,
इस तरह से हम इनको सबको एक के अंदर एक डाल लेंगे ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हम सबको डाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये वाले फ्लावर्स बनाने हैं बहुत प्यारे प्यारे से, ये देखिए, और बहुत इजी है इसको बनाना। उसके बाद यहाँ पे आप स्टोन्स वगैरह, बटन जो भी लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो, कोई मोती हो आपके पास तो वो लगा लीजिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा हमारा। और इसको बनाना देखो कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई भी बना सकता है, जिसको क्रोशिया चलाना आता है सिंपल भी, वो भी इसको बना सकता है। तो देखो मैं व्हाइट वाले से आपको बता देती हूँ बनाना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करेंगे, सेंटर में हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे दबा लेंगे तो एक चैन हो गई, ये दो और ये तीन, तीन चैन हो गई, तीन चैन से हमारा एक क्रोशिया बनता है। इसको नीचे की ओर खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको हम लूप को ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, दो हो गए डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5, 5 मैंने चैन्स बनाई। और फर्स्ट चैन में यहाँ पे इस तरह से हम सिंगल वो स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक इस तरह से लूप बन जाएगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया एक, और एक और बनाएंगे यहीं पे, तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 3 4 5, 5 चैन्स बनाकर फर्स्ट चैन में यहाँ पे फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो डबल क्रोशिया, 1 एंड ये 2, दो डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया, तो ये एक और ये दूसरा हो गया, दो हो गए। फिर से 1 2 3 4 5, 5 चैन बनाएंगे, फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अगेन 1 और ये 2, दो डबल क्रोशिया बनाएं और फिर से 1 2 3 4 5, 5 बनाकर फर्स्ट चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो तीन चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाकर 1 2 3, और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, एक बार और नॉट लगा देंगे और बस ये हमारा फ्लावर्स जो है रेडी हो गया है। 1 2 3 4 5 मैंने 5 बनाए हैं, आप चाहो तो 6 और 7 भी बना सकते हो। और यहाँ से अब हम अपनी फूल को कट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसे पीछे की साइड फंसा देंगे, जो हमारी वूल एक्स्ट्रा बची हुई है, क्योंकि इस एक्स्ट्रा वूल को हमें हाइड करना है। इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो जो हमारी एक्स्ट्रा वूल बची है वो दिखाई नहीं देगी। और इस तरह से हमारे फ्लावर्स ये सभी बनते जाएंगे। तो ये मैंने 2 कलर्स में बनाए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, आप चाहो तो इन तीनों कलर में बना सकते हो, और आप चाहो तो केवल वाइट में या किसी भी एक कलर में भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ड्रेस को बनाकर रेडी करेंगे। तो ये वाले सारे मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ड्रेस में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, ये जो वो ये फ्लावर्स जो है वो मैं 2 कलर से बना रही थी, लेकिन अब मैंने 1 कलर से बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास 9 कलियाँ हैं। अगर मैं एक ये बना दूसरे कलर से बनाती हूँ, दो कलर से बनाती हूँ, तो हमें 10 चाहिए, है ना। तो इसका मैंने पर ध्यान नहीं दिया, तो दोनों दो जो फ्लावर्स है वो एक कलर के एक ही साथ आ जाते, इसीलिए मैंने ये चेंज कर दिया। और वाइट कलर से बनाया तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है, उन दो से भी ज़्यादा, ठीक है, दो कलर से ज़्यादा इस वाइट कलर में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो और दूसरी बात, उसमें हमें वूल को कट करना पड़ रहा था अगर हम दो कलर से बनाते, लेकिन यहाँ पर वूल को कट भी नहीं करना पड़ रहा है। तो देखो, ये जैसे मैंने फ्लावर्स बना रखा है, ये लास्ट का डबल क्रोशिया है हमारा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अब इसको हम वूल को कट नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास 7 डबल क्रोशिया है, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 3 के बाद हमें इस वाले चैन में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है, और एक बार और हम यहाँ पे 4th चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। देखो, 3, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पे किया, फिर 4th के बाद अगली चैन में एक बार और स्लिप स्टिच किया, और उसके बाद अब हम यहाँ पे अपना ये फ्लावर बना लेंगे, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हम बनाने लग रहे हैं। तो यहाँ यहीं से अब हम इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, हमें वूल को अलग से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है जब हम एक ही कलर से बना रहे हैं, जबकि ये उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आप एक ही कलर से बनाएं मेरी माने तो, और बहुत प्यारी ये हमारी ड्रेस लग रही है इस तरह से। तो देखो, एक चैन बनाई, 2, 3, 4, 4 चैन बनाकर 1st चैन में हमें इसको सिंगल क्रो ये स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है, ठीक है। फिर ऐसे ही बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 4 चैन लेकर और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया और 1, 2, 3, 4, 4 बनाकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 1, 2, 3, 4, 4 बनाकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। 1, मैं ऐड कर लेती हूँ वूल को, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमारा ये फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। एंड अगेन अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये देखो 1 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें इस चैन में स्लिप स्टिच करना है, और एक बार यहाँ पे हम नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, 1st वाला 3 की चैन है, इसकी 3rd चैन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ठीक है, एक नॉट लगा देंगे और अपने वर्क को, ये अब हमारा वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ से वूल को कट कर देंगे। तो देखिए वूल को मैंने कट कर दिया है, और इसको हम पीछे यहाँ बैक में एडजस्ट कर देंगे डालकर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, ये मैंने नेक पे भी बना लिया है राउंड, और बहुत प्यारी ये हमारी ड्रेस लग रही है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।